हाय फ्रेंड, मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों का पीवी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्ट। 121 क्वेश्चन 121 क्वेश्चन का देखते हैं क्या कहता है। और 120 तक का मैं क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं पिछले वीडियो में। अगला वीडियो मेरा 121 से है। और यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिफाइड एरिया में सेफ्टी रेंज कितना होता है। इलेक्ट्रिफाइड होता है सेफ्टी रेंज कितना होता है। एक सौ इक्कीस नंबर का क्वेश्चन ए ऑप्शन सही है, 2 मीटर। रेंज कितना है, इलेक्ट्रिफाइड जो एरिया होता है उसका रेंज कितना होता है, 2 मीटर तक होता है, 2 मीटर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलों की बिल्डिंग किससे की जाती है। रेलों की बिल्डिंग होती है वो किससे की जाती है, तो जिम क्रोम से की जाती है। ए ऑप्शन सही है, जिम क्रोम से। किसे, जिम क्रोम से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम क्रोम से की जाती है, ए ऑप्शन सही है। 123 नंबर, गिट्टी की गहरी छनाई कब करना चाहिए। गिट्टी की गहरी छनाई कब की करना चाहिए, तो ये करना चाहिए गहरी छनाई 10 वर्ष या 500 GMT। ए ऑप्शन सही है, 10 वर्ष या 500 GMT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 124, गिट्टी की गहरी छनाई में गति प्रतिबंध बिना DTS के, बिना DTS के। 124 नंबर का बी ऑप्शन सही है। क्या है बी ऑप्शन, 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो छनाई की जाती है ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। गिट्टी की गहरी छनाई में गति प्रतिबंध बिना DTS के कितना की जाती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गहरी छनाई में गति, 125 नंबर, गहरी छनाई में गति प्रतिबंध समाप्त होगा DTS के साथ, तो ये कितने दिन में समाप्त होता है। 125 के सी ऑप्शन सही है, 125 का सी ऑप्शन, 8 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर है, गहरी छनाई में गति प्रतिबंध मानसून होता है। गहरी छनाई में गति प्रतिबंध मानसून होगा, गहरी छनाई में गति प्रतिबंध समाप्त होगा मशीन पैकिंग बिना DTS के साथ। गहरी छनाई में गति प्रतिबंध समाप्त होगा मशीन पैकिंग बिना DTS के साथ, तो ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन 26 नंबर, 126 का ए ऑप्शन सही है। क्या है, 10 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 127 नंबर क्वेश्चन है, गहरी छनाई में गति प्रतिबंध समाप्त होगा मैनुअल पैकिंग में, तो 127 नंबर का डी ऑप्शन सही है। तो डी कितने दिन में, 21 दिन में, 21 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 128 नंबर, क्रीप की अधिकतम सीमा कितने mm होती है। क्रीप की अधिकतम सीमा कितने mm होती है, 128 नंबर का बी ऑप्शन सही है, 150 mm होती है, 150 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनइवनेस को कितने बेस पर मापते हैं, तो 129 नंबर का ए ऑप्शन सही है, 3.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 130 नंबर, ट्रैक अनुरक्षण के, 130 नंबर क्वेश्चन है,
130 नंबर, ट्रैक अनुरक्षण के उद्देश्य से 10 टर्नआउट को कितने किलोमीटर माना जाता है? तो 130 नंबर का आपका ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन एक क्या है, ट्रैक अनुरक्षण के उद्देश्य से 10 टर्नआउट को कितने किलोमीटर माना जाता है? तो एक किलोमीटर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किलोमीटर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 131 में क्रीप पोस्ट का टॉप लेवल, क्रीप पोस्ट का टॉप लेवल रेल लेवल से कितना ऊपर होता है? तो 131 नंबर का बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन 25 mm, कितना ऊपर होता है? 25 mm। क्रीप पोस्ट का टॉप लेवल रेल लेवल से कितना ऊपर होता है? तो ये होता है 25 mm होता है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 132 नंबर, कर्व में अलाइनमेंट करते समय कौन सी रेल साइडिंग रेल होती है? कर्व में अलाइनमेंट करते समय कौन सी रेल साइडिंग रेल होती है? तो 132 नंबर का ए ऑप्शन सही है, ये आउटर रेल, क्या होता है? आउटर रेल, आउटर रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 133, कर्व में पैकिंग करते समय कौन सी रेल बेस रेल होती है? तो 133 नंबर का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही, इनर रेल, इनर रेल, क्या है? इनर रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर रेल, बी ऑप्शन सही है। 134 नंबर, बीजी में गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच अंतराल कितना होता है? तो 134 नंबर का बी ऑप्शन सही है, 134 का बी ऑप्शन सही है, 250 प्लस माइनस 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 135 का, अस्थाई गति प्रतिबंधों को मंडल द्वारा जारी किस पुस्तिका में दर्शाया गया है? तो 135 नंबर का ए ऑप्शन सही है, ये वर्किंग टाइम टेबल WTT में दर्शाया गया है। अस्थाई गति प्रतिबंधों को मंडल द्वारा जारी किस पुस्तिका में दर्शाया गया है? तो ये वर्किंग टाइम टेबल WTT में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कार्य जो सूर्योदय से चालू होने के बाद उसी दिन के सूर्यास्त पर समाप्त हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये कहते हैं 136 नंबर ए से, छोटी अवधि के कार्य। तो ये ए ऑप्शन सही है, क्या है? छोटी अवधि के कार्य, उस छोटी अवधि का कार्य होता है जो एक दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में जो कार्य किया जाता है वो छोटी अवधि का कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कार्य जो सूर्योदय से चालू होने के बाद उसी दिन के सूर्यास्त पर समाप्त नहीं होते हैं, क्या कहलाता है? तो 137 नंबर का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही है, क्या है? लंबी अवधि के कार्य। तो इसको बोलेंगे क्या? लंबी अवधि का कार्य, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? बीजी पर दृश्यता साफ ना होने पर पुश ट्राली का बचाव कितने मीटर पर 3 डेटोनेटर के साथ किया जाएगा? तो 138 नंबर का क्वेश्चन है, 138 का ए ऑप्शन सही है, ए 1200 मीटर पर किया जाता है। 1200 कैसे लगाएंगे? ये पहले 600 मीटर पर लगाया जाता है, 600, फिर 600 मीटर पर, फिर 10 मीटर पर एक पटाखा, 10 मीटर, फिर 10 मीटर, चार पटाखे हो, सॉरी तीन पटाखे, मतलब 600 मीटर पे कितने कितने पर? पहला पटाखा 600 मीटर पर लगाया जाएगा, दूसरा पटाखा 600 मीटर पर लगाया जाएगा, और फिर एक पटाखा और लगाया गया। तीन डेटोनेटर के साथ लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1200 मीटर पर लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
एक ही लाइन पर चलने वाली दो मोटर ट्रॉली के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो एक ही लाइन पर चलने वाली दो मोटर ट्रॉली के बीच की ट्रॉली के बीच कम से कम कितनी दूरी होती है? 139 नंबर, 139 का ए ऑप्शन सही है। 500 मीटर पर, 500 मीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटोनेटर की आय कितनी होती है? तो 140 नंबर का बी ऑप्शन सही है। डेटोनेटर की आय कितनी होती है? 140, 140 का बी ऑप्शन सही है। कितना? बी ऑप्शन। लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, 5 वर्ष दिया है लेकिन कुछ परिस्थितियों में 7 वर्ष अब कर दिया गया है। ये 7 वर्ष हो गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसको कंफर्म करके बता दूंगा, डेटोनेटर की आय कितनी होती है, जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। डेटोनेटर की आय 5 वर्ष है लेकिन हमको लगता है 7 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 141, एक ही लाइन पर चलने वाली दो पुश ट्रॉली के बीच कम से कम कितनी दूरी होती है? तो 141 के ए ऑप्शन सही है। कितना? एक टीपी, टी और पी। 141, एक ही लाइन पर चलने वाली दो पुश ट्रॉली के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो ये होती है एक टीपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल ट्रॉली को अधिकतम कितने डिग्री पर चलाया जाता है? तो 142 नंबर का क्वेश्चन ए सही है। 200 में एक का उतार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 में एक डिग्री का उतार या चढ़ाव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजी पर बैनर फ्लैग कार्यस्थल से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो 143 का ए ऑप्शन सही है, 600 मीटर पर लगाया जाता है। ये 600 मीटर पर बैनर फ्लैग लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट डेटोनेटर की टेस्टिंग करते समय कोई भी व्यक्ति कम से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए? डेटोनेटर की जो टेस्टिंग करते हैं वो व्यक्ति कितनी दूरी पर वो खड़ा होके वो देखेगा कि टेस्टिंग कैसे करेगा? तो ये होता है 144 नंबर का ए ऑप्शन सही, 50 मीटर ना, 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 145, बैनर फ्लैग क्या है? बैनर फ्लैग क्या है? ए ऑप्शन सही है, एक अस्थाई अस्थाई स्थिर रोक सिग्नल है। बैनर फ्लैग क्या है? एक अस्थाई स्थिर रोक सिग्नल है। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड बोर्ड कार्यस्थल से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? स्पीड जो बोर्ड होता है वो कार्यस्थल से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो ए ऑप्शन सही है, ये 30 मीटर पर लगाया जाता है। क्या है? 30 मीटर पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाफ बोर्ड कार्यस्थल से कितनी दूरी पर, स्टाफ जो बोर्ड होता है, स्टाफ बोर्ड, ये स्पीड बोर्ड, ये स्टाफ बोर्ड, कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो 147 नंबर का क्वेश्चन ए ऑप्शन, ये भी 30 मीटर पर लगाया जाता है। तो ये 30 मीटर पर लगाया जाता है, 30 मीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 148 नंबर, काशन बोर्ड गति सीमा के लिए सामान्यतः कार्यस्थल कितनी दूरी पर लगाया जाता है? काशन बोर्ड जो होता है वो कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो काशन कार्यस्थल से जहाँ कार्य हो रहा है वहाँ से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो 148 के सी, 800 मीटर पर लगाया जाता है। कितने? याद रखिएगा, 800 मीटर पर लगाया जाता है, कार्यस्थल से जहाँ पर कार्य हो रहा है वहाँ से 800 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशन बोर्ड गति सीमा के लिए घाट सेक्शन में कार्यस्थल से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है 930। 149 नंबर का क्वेश्चन का सी सही है। कितना होता है? 930 मीटर पर। सी ऑप्शन सही है, 930 मीटर पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, काशन बोर्ड गति को रोक कर चलने के लिए सामान्यतः कार्यस्थल से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है 1200 मीटर पर। कितना? 1200 पे। गाड़ी को अगर खड़ी करना है तब उसका स्पीड खड़ा करने के लिए आपको लंबाई उसकी गाड़ी आपको
रुकना कब तक है? 1200 मीटर पर आपको काशन बोर्ड लगाना पड़ेगा, जिससे वो गाड़ी आके स्टॉप बोर्ड पर रुक जाए जहाँ पर कार्य हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151 नंबर, क्या है? काशन बोर्ड गति को रोक कर चलाने के लिए घाट सेक्शन में हो जाता है 1330 मीटर। कितना है? 151 नंबर का बी ऑप्शन सही है। कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, 1330 मीटर पर घाट सेक्शन में अगर कार्य कर रहे हैं और गाड़ी को खड़ा करके चलाना है तो आपको 130 मीटर पर काशन बोर्ड लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? मानसून पेट्रोलमैन की बीट कितनी होती है? तो कितने किलोमीटर होती है? 152 नंबर, 152 का बी ऑप्शन सही है, 152 का बी, 5 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानसून पेट्रोल मैन द्वारा एक दिन में चली अधिकतम दूरी कितना होता है? 100 डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, क्या है? डी है 20 किलोमीटर। कितना? 20 किलोमीटर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेट्रोल मैन की सामान्य गति कितनी होती है? पेट्रोल मैन की सामान्य गति कितनी होती है? तो ये होती है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होती है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड वेदर पेट्रोल मैन की बीट सिंगल लाइन के लिए कितना है? अगर कोहरा ज़्यादा पड़ा है तो उस समय उसकी स्पीड कितनी रहेगी? तो 155 का सी ऑप्शन सही है। कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड वेदर पेट्रोल मैन की बीट डबल लाइन पर कितना होगी? तो 156 का डी ऑप्शन सही है, डी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड वेदर अगर ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है तो सिंगल लाइन पर कितना होगा? तो 157 का देखते हैं, 157 का सी ऑप्शन सही है, 157 का सी ऑप्शन, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्या है, 158 क्या कह रहा है? हार्ड वेदर पेट्रोल मैन की भी डबल लाइन पर कितना हो जाएगी? तो ए ऑप्शन सही है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं, पेट्रोल मैन का चयन कौन करता है? तो पेट्रोल मैन का चयन ए ऑप्शन कौन करता है? एसएससी पीवे इंचार्ज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून पेट्रोल चार्ट कौन बनाता है? तो सी ऑप्शन सही है, डीईएन बनाता है। तो सी ऑप्शन DEN, जो पेट्रोल मैन का चार्ट होता है कि कब कब ड्यूटी जाना है, कब कब वहाँ से आना है, तो वो DEN बनाता है। इस तरह से 160 नंबर तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ है और अगला वीडियो 161 से क्वेश्चन रहेगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।